एक बहुत बड़ी हीरोइन, एक बहुत बड़ी हीरोइन ने भी राज्यसभा में बयान दिया है, और उन्होंने कहा है इनकी हकीकत लोग नहीं जानते हैं, मैं उस महिला का नाम उन आपसी जो मेरे उनसे रिश्ते हैं उस वजह से नहीं लेना चाहता। एक बहुत बड़े अभिनेता की पत्नी है वो, अभिनेता बहुत बड़े स्टार थे, अभिनेता सुपर हिट स्टार थे, उनकी पत्नी ने मुझसे साल 1.5 साल पहले मिली थी, मुझे बॉम्बे में बुलाया, मैं उनको जानता नहीं था, उन्होंने मुझे बताया मैं फला फला की पत्नी हूं, कुछ विषय पे बात करना चाहती हूँ, अशोक जी इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने मुझे बताया, बहुत बड़े घराने की है, पंजाब की है, उन्होंने कहा कि पुष्पेन जी ये जो मोहतरमा जया भादुरी है जो कल तक अमर सिंह के कंधों पे चल के समाजवादी पार्टी में आई और उसी अमर सिंह को गाली दे रही है, इन्होंने उस महिला से ये कहा था कि तुम किस लिए परेशान हो रही हो, ये तुम्हें दिन भर हिंदू हिंदू चढ़ा रहता है, अरे इन मरने दो, इन कमीनों को, इन ये घटिया लोग हैं ये मर जाएंगे, हमें क्या करना है, हमारे पास पैसा है, जिस दिन ज्यादा कुछ होगा हम जाके बाहर रह लेंगे। तो ये लोग आपके राज्यसभा में हैं, राज्यसभा में आए हुए हैं, ये तो सिर्फ चेहरे का मुखौटा है जो दिखा रहे हैं, ये तो सबसे पहले भागेंगे, तो हमारे कहाँ लोग हैं, हम कहें कि एक योगी पैदा हुआ है, एक मोदी पैदा हुआ है, एक हमें, अरे भाई आपके समाज में करोड़ों मोदी हैं लेकिन समाज पीछे खड़ा होगा तब होंगे ना। तो ये मोदी ने एक शुरुआत की है, मुझे लगता है उसमें 50 चीजें होंगी, 50 चीजों में सवाल खड़े होंगे, लेकिन समाज मोदी हो जाए, समाज योगी हो जाए, समाज अमित शाह हो जाए, समाज सवाल पूछने लगे, समाज में एग्रेसिवनेस आ जाए, समाज अपने प्रति चिंतित हो जाए, तो किसी चिंता की जरूरत नहीं है। हमें अपना एजेंडा क्या है, हमारा टारगेट क्या है, और हिंदू में शत्रु बोध की कमी है, उसे ये पता ही नहीं हमारा शत्रु कौन है, इसलिए गंगा जमुना तहजीब, सारे धर्म बराबर हैं, ये साझा संस्कृति, ये सिर्फ हिंदुओं ने झूठ बोले हैं। इसलिए मैंने कहा बड़े बड़े मथाटिश, आज पालघर के जिन लोगों की चर्चा बार बार होती है, मुझे बताइए पालघर के जो दो साधु थे वो किस मठ के हैं, हिंदुस्तान में वो मठ सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा अमीर है, अरबों खरबों की जी प्रॉपर्टी है, उनके साधु मर गए तो उनका बयान आता है कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम एक मार्च करेंगे, इस देश में कुछ लोग तलवार लेके आपके गले काट रहे हैं और आप कह रहे हैं हम मार्च निकालेंगे, मार्च निकाला जाता है वहां जहां सब लोग रहते हैं, आप मार्च मार्च से कुछ नहीं काम चलने वाला है, आपको उनसे ज्यादा ताकत के साथ अटैक करना है, अपने लोग जो लड़ अब जैसे आप ही लड़ रहे हैं या लाल लक्ष्मी जी, आप अगर संपन्न नहीं होगे और आप तब आप प्रोग्राम करने की सोचोगे या घर के बिजली का बिल ना, देने की सोचोगे, ना। तो हमारे समाज में सामूहिक तौर पे अपने लोगों को मजबूत करने की, मैंने इसीलिए कहा जिन पे पैसा बहुत है समय कम है वो पैसा दें, जिन पे समय ज्यादा है पैसा नहीं है वो अपना समय दें, ये सामंजस्य बिठाना होगा। अश्वनी जी कितनी बार यहां से मुकदमा लड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे एक दिन मार दिए जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो मेरा कहना है कि हम सबकी जड़ में पैसा है, वो पैसा हर एक की कमी है और पैसे के कारण वो जूझ रहा है, इसलिए उसकी 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 धार कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, अब कोई पैसा देना नहीं चाहता, सब ये चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोस में हमारे यहां ना हो, अश्वनी जी करें मर जाएं, पुष्पेन जी करें मर जाएं, आरएसएन मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हमें नहीं इंटरेस्ट है भाई, हम क्यों बुरे बने, अश्वनी जी गाली खाएं, पुष्पेन जी गाली जाएं, आरएसएन गाली जाएं, नितिन जी गाली, ये सब गाली खाएं, हमने हमें तो ठीक रहना है, हमें सबके साथ रहना है, हमें सबका अच्छा बनना है, ये हमारी बीमारी है, इसलिए मूड पॉइंट में बार बार इनडायरेक्टली इसलिए नहीं कहना चाहता था कि मैं कहूंगा तो शायद इसका मैसेज आना जाए, लेकिन जितने लोग लड़ रहे हैं हिंदुत्व में, जितने लोग लाखों लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सब पैसे की तंगी में बड़े सीमित साधनों में लड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल में लड़ रहे हैं, जो बात अश्वथ जी ने कहा एक किसी को गिरफ्तार होता है चारों तरफ से उनका इकोसिस्टम आ जाता है, आपके यहां तो वकील ढूंढना पड़ता है, फिर वकील हिंदू होके भी कहता है नहीं मैं पैसे तो लूंगा भाई, तो आपके यहाँ लोग हिंदुत्व को फैशन की तरह जी रहे हैं, मिशन की तरह नहीं जी रहे, उनके यहाँ मिशन की तरह जीते, वो चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते दिन भर उनका वो एजेंडा है, तो हमें जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं हमें उसकी रणनीति को इख्तियार करना चाहिए, और सिखों में कहा गया है कि अगर खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे से सीख लो, तो अगर आपको नजर आता है कि दुश्मन ये कर रहा है तो दुश्मन से ही कॉपी कर लो, कम से कम कोई नई रणनीति नहीं है तो उससे कॉपी करके उस रणनीति से लो, तो दैट इज माई पॉइंट सर, कि मैंने कहा कि आप इसको आइसोलेशन में ना देखें, दिस यूपीएससी इज नॉट ए, कि सिर्फ अगर आपने इसको रोक दिया तो सब रुक जाएगा,
भाई मैंने इसीलिए अपनी बातचीत में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो कि मैंने 1920 से लिया मामला, 1920 से लेके 2020 हो गई, ये 100 साल का वफका मैंने इसलिए कहा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए, और इस पूरे 100 साल में आप सोते रहे, आपको अपनों मेरा तेरा अगड़ा पिछला इसमें लगे रहे, इसलिए आपने कभी रियल प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। या हमारी मानसिकता ये बना दी गई है, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि लार्जली सनातनी समाज जो है ना वो झूठ सुनना और झूठ बोलने में उसको मजा आता है। झूठ बोलने में फायदा यह रहता है कि उसको खुद कुछ नहीं करना, और झूठ सुनने में यह होता है कि उससे किसी को नाराज नहीं होना। ये दो चीजें उसके अंदर बीमारी हैं। कोई झूठ बोल रहा होगा तो उसको टोकेगा नहीं वो, क्योंकि यार क्या फायदा यार, खामखा उसको नाराज करो, वो बोल रहा है तो बोलने दो, क्या दिक्कत है। और दूसरा ये समझ जाता है कि ये झूठ सुनता है इसको। तो आपको मैंने कहा कि पहले एकेडमिक इंटेलेक्चुअल हुआ, एकेडमिक आपके यहाँ जिहाद हुआ, एकेडमिक टेररिज्म आया, हिस्टोरिकल आया, इलेक्शन के थ्रू आया, संविधान के थ्रू आया, फिर जुडिशरी के थ्रू आया। जुडिशरी अगर भारत की ये कहती है कि कश्मीर में 5.5 लाख लोगों को उनकी पूजा पद्धति की वजह से निकाल दिया, 2500 लोगों की हत्या कर दी गई, तो जो कश्मीर से बेचारे विस्थापित यहां आए, उसमें सुशील पंडित तो ललित अंबरदार जैसे लोग, जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ये कहते हैं कि माय लॉर्ड, जो हमारे बाप दादा बहन बेटी की इज्जत लूटने और हत्या करने वाले जीवित घूम रहे हैं श्रीनगर की सड़कों पे, आप इसको इशू को टेकअप कीजिए और इसको इस पे इंक्वायरी की, तो सुप्रीम कोर्ट की मक्कारी मुनाफिकत आप ये देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट 150 साल पुराने राम मंदिर के मुद्दे को सुन रही थी, उसमें खुद इसने कितनी बार अड़ंगे लगाए। उन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों से, जो 1990 की घटना है 19 जनवरी की, कहा अब तो इतनी पुरानी घटना हो गई, अब इसमें तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, और रिकॉर्ड नहीं तो हम सुन नहीं सकते। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट 1984 के सिख विरोधी वन साइडेड मैसेकर को सुन रही है, क्योंकि उनको पता है कि सिख एक दिल्ली में असर्टिव कम्युनिटी है, एक राज है, और कश्मीर से ये 2-4 आए हैं, इनको भगा दो फिर यहां कहां सरदर्दी है, तो ये भी एक जिहाद है। तो आज आप यूपीएससी की बात, स्पोर्ट्स में जिहाद है, यूनिवर्सिटीज में जिहाद है, संविधान के थ्रू जिहाद चल रहा है ना, तो हमने तो संविधान को भी इस जिहाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि क्या आपने, जो हिंदू बड़ा अपने आप को हमेशा ऑलवेज भी trying to show himself that we are very correct, we never go beyond this, हम तो ये नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ बोलें, क्या इस हिंदू ने कभी पूछा कि माइनॉरिटी कमीशन इस देश में कैसे चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर नहीं था। कि आज सुरेश के चौहान जी ने यूपीएससी उठा दिया तो हम सबकी आत्मा जाग गई, लेकिन क्या सुरेश के चौहान उठाएंगे, जीडी बख्शी उठाएंगे, सुशील पंडित, तभी हम जागेंगे। तो हमारे पास दुनिया की किताबें पढ़ने का बड़ा समय है, दुनिया पे ज्ञान बांटने का बड़ा समय है, दुनिया की सभ्यताएं पढ़ने का बड़ा शौक है, लेकिन जिस जगह खड़े हुए हैं और हम जिन हमारे पैरों के नीचे की धरती खिसक रही है उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम उसके बारे में पढ़ लेंगे तो फिर हमें कुछ करना होगा और हम करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम कुछ नहीं करना चाहते, हम ज्ञान दे देना चाहते हैं। ये स्थिति 1920 से चल रही है, आज 2020 हो गई, 100 साल हो चुके हैं, और आपके पास ये आखिरी चांस है, अब कोई चांस नहीं होगा। और ऊपर वाला हमारी और आपकी मदद नहीं करेगा, उसने हर समय हर मोड़ पर ऐसे लोगों को पैदा करके आपको सोते से जगाने की कोशिश की, लेकिन आपने जो जगा रहा था आपने तो उसे कहा यार ये तो फला का दलाल है, यार ये तो पैसा बनाने आया है, ये तो चोर है, आपने उस पे सवाल उठा के उसे खत्म कर दिया और फिर आप सो गए। आप चाहते हैं कि आपकी नींद में खलल नहीं पड़े, आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़े। तो आज मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि ट्रंप को जिताइए, उसके पीछे मेरी मानसिकता ये है कि भारत अकेले इस देश के अंदर संविधान में जो गंदगी है, माइनॉरिटी कमीशन का मामला जो है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का मामला जो है, इसमें यूपीएस, ये तमाम सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई हैं, ये आपके हिंदू सनातनी सनातनी जिनको हम सब कहते हैं उन्हीं के हिस्सों ने कही है।
आज वो आपको इसलिए तकलीफ दे रही हैं कि आज वो लोग जो बड़े सेकुलर थे आज उनके घर में भी मामला प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आप इतनी देर में चेते हैं तो कोई एक मामला नहीं है, ये चलेगा। और अभी तो बहुत सारे जहाज छुपे हुए जो आपको नहीं पता चला। इसीलिए मैंने कहा कि जुडिशरी में, जो मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उस जमाने जब ढाबों पर रात में बहस में बैठता था, उस जमाने आई एम टॉकिंग अबाउट 84-85, उस जमाने वहां ये डिस्कशन होते थे कि हिंदुस्तान में अगर जुडिशरी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ना हिंदू सवाल उठा सकता है और मुसलमान ने अगर सवाल उठाए तो एक जो सेनर एलिमेंट है, जो सेकुलर हिंदू है, वो भी हमसे नाराज हो जाएगा। उस जमाने मुझे याद है, व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन, द फाइनल ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, उस वक्त ये कहा गया कि भाई हमें किसी तरीके से कोर्ट के अंदर वकीलों की गिनती इतनी भरनी चाहिए, हर कोर्ट में हमारे 10-10, 20-20 हजार लोग जाएं जिससे कोर्ट में वकालत करें, और उसमें से 100 में 5 भी ऊपर पहुंच गए तो हम जब तक जुडिशरी को कंट्रोल नहीं करेंगे फिर फैसला कैसे भी दे दो, क्योंकि जुडिशरी के फैसले के बाद इस देश में उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को लगता है भाई जुडिशरी की तो मानो कम से कम। तो ये बहुत पहले से चल रहा था। इत्तफाक की बात है कि एक साधु आ गया है, उस साधु के आने से उसने 47 में 370 हटाया, तो उनके अंदर ये डर पैदा हुआ कि ये अभी हटाने का सिलसिला चलेगा, अभी ये गिनती में 90 करोड़ है, अगर समय से पहले हिंदू जाग गया और हमारी गिनती कम है, हम राजनीतिक तौर पे सत्ता नहीं बदल सकते, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में जिहाद कर रहा है। इसलिए मैं आपके सामने एक वर्ड जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूं,